इस वीडियो में हम लोग 2008 और 2007 का एक एक जेई एडवांस का क्वेश्चन कवर करेंगे सिंगल ऑप्शन करेक्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है 2008 का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द ब्रोमोबेंजीन, पहले ड्रॉ कर लेते हैं ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन इसने कराया हुआ है। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन कराया हुआ है Br2 एंड Fe से। हमें पता है Br2 और Fe, ब्रोमीन और लुइस एसिड, ये हमें देगा इलेक्ट्रोफाइल Br+। सिंपल सा रिएक्शन है, Br1 ले लो आप, दूसरा Br ले लो, इसके ऊपर Fe का अटैक करा दो। Fe का अटैक होते ही Fe Br को लेके हट जाएगा और Br+ फॉर्म हो जाएगा। नाउ यही जो Br+ है ये अटैक करेगा बेंजीन के पैरा पोजीशन पे। तो पैरा पोजीशन पे अटैक करते ही हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये पैरा पोजीशन है, इस पे अटैक करते ही ये Br फॉर्म हो जाएगा। अब स्टोरी ये है कि जो सेकंड पॉइंट कह रहा है ये तो करेक्ट हो गया, 1,4-dibromobenzene, अगर आप इसकी नेमिंग करो तो ये 1 है, तो 1, 2, 3, 4, दूसरा Br फोर्थ पे लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है एकदम, पहला स्टेटमेंट तो इसने करेक्ट कहा है। अब दूसरा कह रहा है कि इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमो ग्रुप इज़ मोर डोमिनेंट देन मेसोमेरिक इफेक्ट। बिल्कुल सही एकदम, बिल्कुल फैक्ट है। होता क्या है कि जो ब्रोमीन है उसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये सारे 2p ऑर्बिटल्स हैं, जो बेंजीन में पाई बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, इट इज़ बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2p एंड 2p। वाइल जो ब्रोमीन है इसमें जो लोन पेयर है ये 4p ऑर्बिटल में है, तो इनके बीच का साइज़ गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2p और 4p की ओवरलैपिंग बहुत प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पर रेजोनेंस जो होता है वो वीक हो जाता है। रेजोनेंस कह लो या मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट ये वीक हो जाएगा, इट इज़ वीक, और इसके वीक होते ही इंडक्टिव जो होता है डोमिनेट कर जाता है, इंडक्टिव डोमिनेट कर जाता है। तो एग्जैक्ट यही चीज़ इसने दिया है कि द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमो ग्रुप इज़ मोर डोमिनेंट देन मेसोमेरिक इफेक्ट इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है, ये चीज़ वैलिड है, लेकिन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को इंडक्टिव डोमिनेट नहीं करता है। ऑलवेज ध्यान रखना, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इट इज़ ऑलवेज गवर्न्ड बाय द मेसोमेरिक इफेक्ट, चाहे मेसोमेरिक इफेक्ट कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो जाए। तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बिकॉज इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी ऑलवेज गवर्न्ड बाय द मेसोमेरिक इफेक्ट, चाहे वो कमज़ोर हो या स्ट्रांग हो। येस ऑफकोर्स यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव से कमज़ोर है, लेकिन वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को गवर्न नहीं करेगा। तो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड सेकेंड इज़ रॉन्ग, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है द साइक्लोहेक्सीन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाई द रिएक्शन विथ जिंक डस्ट एंड वाटर। यानी ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो गया, जिंक के प्रेजेंस में अगर ओजोनोलिसिस हो तो दिस इज़ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहाँ तक तो पहले हम शुरू करते हैं साइक्लोहेक्सीन, ये रहा साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन मतलब डबल बॉन्ड साइक्लिक में, इसकी आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओ O3ZN, ठीक है H2O। तो सिंपल सा ओजोनोलिसिस का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, डबल बॉन्ड को कट कर दो, कट करने के बाद जो कटे हुए पार्ट होंगे उन पे ऑक्सीजन लगा दो, यानी ये कटा हुआ पार्ट और इधर से ये कटा हुआ पार्ट, अटैच ऑक्सीजन, तो आप देखोगे ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड बन गया। उसके बाद इसमें हम KOH ले रहे हैं, तो कभी भी अगर एल्डिहाइड में बेस मिले तो दो ही रिएक्शन हो सकते हैं, चाहे तो कैनिजारो या फिर एल्डॉल, 99% चांस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही होंगे, और भी हो सकते हैं, 99% चांस यही होंगे। तो यहाँ पे एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तब तो फिक्स हो गया कि ये एल्डॉल होगा। तो यहाँ पे एल्डॉल में क्या होना है, पहले ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को हटा के एल्डिहाइड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये CHO हो गया, इस वाले को मैंने CHO लिख दिया कंबाइन करके इस वाले पार्ट को, और इस CHO के बगल में आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया, ये आ गया यहाँ पे, और फिर ये जो एल्डिहाइड है इसको मैंने प्रॉपर वे से लिख दिया सो दैट ये नेगेटिव इस पे आके अटैक करके बॉन्ड बना सके। तो यहाँ से अब कितने मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, लेट्स काउंट, तो दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, और 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होते ही CHO ये आ गया,
O माइनस H और ये इससे अटैच हो गया। बाद में हाइड्रोलाइज कर दो इसको आप, हाइड्रोलाइज करते ही OH हो जाएगा, इट विल फॉर्म OH। तो फाइव मेंबर रिंग, लेट्स काउंट पुट अप अ नंबर्स, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो वन पे वी आर हैविंग CHO, फर्स्ट पोजीशन पे वी आर हैविंग CHO लगा दिया, और सेकंड पे वी आर हैविंग O माइनस जो कि OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसको हीट करेंगे क्योंकि इसने जो प्रोडक्ट दिया है हीटिंग वाला दिया, कहीं पे भी OH लगा हुआ प्रोडक्ट नहीं दिया, तो हीटिंग वाला दिया, तो हीट करेंगे। और हीट के बाद ये वाटर निकलेगा, और वाटर निकलते ही विल हैव डबल बॉन्ड एंड CHO, दिस इज़ द प्रोडक्ट, सो ए ऑप्शन इज़ देयर। तो यही पूरा है।